हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीषा फ्रॉम सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस पनवेल। दिस इज आवर लेक्चर टू ग्रीन टेक्नोलॉजी FYCS सेमेस्टर टू स्टूडेंट्स। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी एंड द अदर सम पॉइंट्स। सो एनर्जी एफिशिएंसी हैज प्रोवाइडेड to be a cost effective strategy for building economies without necessarily increasing the energy consumption. So in this video we discuss about water and waste management. Okay, aapne iske pehle bhi kabhi suna hoga guys ki how to manage the water and waste management. Okay, रिसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी, आपको नेम में ही पता चलता है रिसाइक्लिंग। अगर कोई प्लास्टिक की बॉटल है या फिर कोई भी चीजें है जिसको हम लोग रिसाइक्लिंग करते हैं, ओके, दैट इज द रिसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी। मतलब उसको हम लोग इसमें डाल के फिर से नया प्रोडक्ट उसे बनाते हैं, ओके। ग्रीन टेक्नोलॉजी रिसाइक्लिंग ऑफर्स स्मार्ट असेट डिस्पोजल ऑप्शंस to business, educational institutions and government agencies. Okay, then sewage treatment. Sewage मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, गंदा पानी जो रहता है, सैंड पानी, and solid waste management. Okay, so in this sewage treatment and solid waste management, the sewage treatment is the process of removing the contaminants. तो सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो गंदा पानी रहता है उसमें जो गंदगी रहती है, गांजी अस्तित्व अपन त्याला काढून टाकतो फ्रॉम द वेस्ट वॉटर मधून। एंड उस आपको पता है ये प्रोजेक्ट भी है अपने यहाँ पनवेल में भी चलता है ये प्रोजेक्ट। एंड हाउस होल्ड सीवेज बोथ रन ऑफ डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल, मतलब जो गंदा पानी रहता है उसमें से कुछ जो वेस्ट रहता है, कंटेनमेंट्स रहते हैं, उसको निकाल के उस वेस्ट वाटर को फिर से रिसाइकल करते हैं दूसरे यूज के लिए। ओके, फिर से बताती हूँ, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी रिसाइकलिंग ऑफर्स स्मार्ट असेट डिस्पोजल ऑप्शंस टू बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। Sewage treatment and solid waste management. Sewage treatment is a process of remove the contaminants from the wastewater, and household sewage both run off domestic, commercial and institutional. Then see, यहाँ पे आपको दिख रहा है guys, water purification है, नॉन सस्टेनेबल सॉल्यूशन है और इसमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। कंटेनमेंट कंसर्न, नॉन सस्टेनेबल सॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। कंटेनमेंट्स क्लोराइन कलर, ओके, देन इफ द कार्बन सिस्टम इज डिस्चार्जिंग देन कार्बन ब्लॉक फिल्टर रिक्वायर्स द एनुअल और मोर फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ फिल्टर। तो यहाँ पे जो है गाइस, अलग अलग टाइप्स के कंटेनमेंट्स है, कंसर्न्स है, देन नॉन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है एंड कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी है। सस्टेनेबल मतलब हम लोग उसको बहुत टाइम से यूज करते आए हैं और यूज कर सकते हैं। नॉन सस्टेनेबल मतलब थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी, ओके। देन बिल्डिंग, see, sustainable building material and building performance technology. Sustainable building material मतलब क्या होता है कि हम लोग जो building का जो project बनाते हैं, ठीक है, वो ऐसा बनना चाहिए कि कम से कम 50 years उसको कुछ नहीं होना चाहिए उस building को। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा maintain करना वो वगैरह ठीक है, but वो जो है उसका life कितना होना चाहिए, 50 years, at least 50 years. Okay, so, building the performance technology, okay, that is the
सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल। तो उसमें जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं गाइस, तो उसमें हमको उसी टाइप का मटेरियल लेना है, क्योंकि उसी मटेरियल के ऊपर हमारे जो बिल्डिंग बनेगी वो ज्यादा सस्टेनेबल रहेगी, ज्यादा टाइम तक वो चलेगी आगे। ओके, देन ट्रांसपोर्टेशन, सी द रेल ट्रांसपोर्ट को सबको पता है, आपने ट्रैवल भी किया होगा, रेल ट्रांसपोर्ट एंड द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आपने नाम सुना होगा कई सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। ओके, देन स्ट्रेंथ फ्रॉम अडॉप्टिंग द ग्रीन टेक्नोलॉजी। देखो गाइस, जब हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या मोटिवेशन मिलता है, क्या क्या यूजेस है, इन्वायरमेंट को भी हम लोग कहां पे तो सेव कर सकते हैं। देन एबिलिटी टू मीट द स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इन फॉरेन मार्केट्स। ओके, सो मैन्युफैक्चरर्स इन डेवलपिंग द कंट्रीज टिपिकली नीड टू मीट द स्ट्रिक्टर and the environmental requirements and specification to export their products to industrialized countries and gain the advantage and market share over the competitors. Okay, that is the we can hum log jo hai jo foreign market jo product hai unke sath mein bhi hum log thoda sa matlab unko bhi visit kar sakte dekh sakte hai कि वहां पे क्या है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है वहां के प्रोडक्ट। देन रिडक्शन ऑफ द इनपुट कॉस्ट। अगर हम लोग गाइस ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी इनपुट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव द प्रोडक्शन इफिशियंसी थ्रू द, किससे हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी, द रिडक्शन ऑफ द इनपुट कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट भी हमको कम लगेगी, एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विच कैन इंप्रूव अ कंपनीज कॉम्पिटेटिव पोजिशन। मतलब अगर हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं ओके, तो हम लोग उसकी प्रोडक्शन इफिशियंसी इंप्रूव कर सकते हैं, किससे, द रिडक्शन ऑफ द इनपुट कॉस्ट, ओके एनर्जी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, देन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी। देन फिर से बताती हूँ, रिडक्शन ऑफ द इनपुट कॉस्ट, ग्रीन टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव द प्रोडक्शन इफिशियंसी थ्रू द रिडक्शन ऑफ इनपुट कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विच कैन इंप्रूव अ कंपनीज कॉम्पिटेटिव पोजिशन। Then environmental image, मैंने कई बार आपको बोला है गाइस कि हमको कैसे भी करके हमारे environment को क्या करना है, save करना है। तो अगर हम लोग ये technology, green technology adopt करते हैं तो हम लोग कहाँ पे ना कहाँ पे थोड़ा सा help कर सकते हैं green में, मतलब पर्यावरण में। Okay, so adopting the green technology can improve a company's environmental reputation, which is crucial if other competitors and consumers are becoming more environmental. Okay, so इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये लेते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, इससे क्या होगा, कंपनी भी, कंपनी का जो ये है रेपुटेशन है वो भी बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। ओके, और अदर्स के साथ में भी उसको कॉम्पिटिटर्स में जाएगा, एंड कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर इन्वायरमेंट, और जो कंपनीज के कंज्यूमर्स है वो भी खुद इन्वायरमेंटल हो जाएंगे। ओके, दैट इज द इन्वायरमेंटल इमेज। सो अडॉप्टिंग द ग्रीन टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव अ कंपनीज इन्वायरमेंटल रेपुटेशन विच इज क्रूशियल इफ अदर कॉम्पिटिटर्स and consumers are becoming more environmental. Then ability to stricter environmental regulations in the future. तो आगे जो है technology, green technology, इसके बारे में बहुत strict norms and rules आने चाहिए, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग कभी ना कभी environment को खो देंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा हाथ में। So
companies that invest in green technology are more likely to be better equipped and ready for the stricter environmental regulations. जो companies green technology को adopt कर रही है उनके जो rules है वो सब rules and regulations उस company को follow करने पड़ते हैं as well as the product specification that are expected to be imposed on them in the future. तो उनके जो product निकलेंगे उस company के वो कोई भी harmful product नहीं होंगे environment के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं, कंपनीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है सॉरी ग्रीन टेक्नोलॉजी के उसको सब अडॉप्ट करके ले रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो गाइस आपको समझ में आया होगा इन शॉर्ट कि मैं ये बताती हूँ आपको कि हाउ टू सेव अवर एनवायरनमेंट, देन रिड्यूस द CO2 इमिशन, सेव अवर एनर्जी, द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सपोज आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वाइंड एनर्जी है, ओके वॉट एवर विच टाइप ऑफ, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको कैसे भी करके जो आपको कूड़ा कचरा दिखता है, प्लीज आप जब भी कुछ खाते हो कुछ रैपर आपके हाथ में रहता है इधर उधर उसको मत फेंको, प्रॉपरली डस्टबिन में ही उसको डंप करो। अगर आपको पता है वो अगर कोई किसी एनिमल ने वगैरह खाया तो वो उनके हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, उसमें आपके कई सारे टॉक्सिंस रहते हैं और जो कि बर्न भी नहीं होता। कुछ कुछ ऐसे भी है, आपको पता है गाइस, कुछ कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं प्लास्टिक में वगैरह, नॉट ओनली रैपर, बॉटल्स में भी, किसी में भी हो सकते हैं वो। तो वो ऐसे है सब्सटेंसेस की जो जलते भी नहीं, बर्न भी नहीं होते, और जब वो बाहर निकलते हैं मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर, जब बारिश आती है या ठंड रहती है या कभी हमारा समर धूप रहती है, तब उसका जो है इमिशन धीरे 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 हमारे इन्वायरमेंट में आना चालू हो जाता है, फिर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर होता है, ओके और वो अफेक्ट होने के बाद में कुछ भी इन्वायरमेंट की हानि हो सकती है, ओके आप जैसे कि आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि पिछले जैसे कोरोना आया है तब से बारिश बहुत टाइम पे चल रही है, बहुत टाइम से, बराबर है ना? नहीं तो पहले जून भी जाता था निकल तो भी बारिश नहीं आती थी जल्दी, जुलाई भी आधा होता था तभी भी बारिश नहीं आती थी और लोग परेशान रहते थे कि बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं। इसका रीजन क्या है? रिमूविंग द फॉरेस्ट, पेड़ पौधे नहीं लगाते, जो है उसको काट रहे, उसको उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ओके फॉसिल फ्यूल का यूज ज्यादा हो रहा है, उससे क्या होगा, CO2 इमिशन ज्यादा बढ़ेगा, CO2 इमिशन बढ़ा मतलब GHG गैस होगा, GHG गैस मतलब हम लोग ज्यादा जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, नजदीक में ग्लोबल वार्मिंग के। तो आगे को देख के, फ्यूचर को देख के ये सब करने के लिए हमको, हम बोलते हैं ना मराठी में, झाड़े जगवा, झाड़े वाड़वा, झाड़े लावा, झाड़े जगवा, दैट इज द मेन थिंग। आप छोटे से कुंडी में भी पौधा वगैरह कुछ भी, घर छोटा है फ्लैट सिस्टम में तो आप लगा सकते हो, लेकिन आपके इधर उधर आंगन वगैरह है तो आप बहुत कुछ लगा सकते हो उसमें, ओके सो ऑल ऑफ यू आई हार्टली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सबने एक एक तो अपने करियर में, अपने लाइफ में दो चार पौधे तो लगाने ही चाहिए, ओके आपको पता है नेचर ने हमको क्या कुछ नहीं दिया, नेचर से हमको क्या नहीं मिला, आप सोचो एक जो झाड़ होता है हमको क्या नहीं मिलता उससे, ऊड है, खाने की चीजें है, कपड़े है, सब कुछ मिलता है, ऐसे कोई भी चीज नहीं कि जो हमको पेड़ से नहीं मिली है, ओके तो जो नेचर है, नेचर देखो आप कितना मेहरबान है हमारे ऊपर गाइज, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि उसके लिए हम लोग कुछ करें। तो प्लीज अडॉप्ट द ग्रीन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कंसेप्ट एंड ट्राई टू अदर टू मोटिवेट टू अडॉप्ट द ग्रीन टेक्नोलॉजी कंसेप्ट। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सो थैंक यू।